योगी सरकार प्रदेश में अवैध खनन पर रोक लगाने का दावा कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी विधायक ही अपनी सरकार में खनन होने का आरोप लगा रहे हैं। मामला फतेहपुर का है, जहां बीजेपी विधायक ने अवैध खनन कर मोरंग ले जा रहे लोड ट्रकों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बीजेपी विधायक ने साथ ही प्रशासन पर आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। रास्ते में ये ट्रकों का काफिला, एक बहुत ही पतली सड़क है ये, बिंदकी से कटिलिया रोड इसको बोलते हैं, और ये बहुत पतली सड़क है। मुझे लगता है कि ये 8 फीट की 10 फीट की भी नहीं होगी, और उस पर बड़े बड़े ट्रक चले आ रहे थे, तो मुझे लगा कि क्या कहीं कोई ट्रैफिक जैम है कि ये यहां से आ रहे हैं, तो पता ही चला कि ये सब मोरंग लाद कर निकलते हैं। मेरी जानकारी में था कि अभी इस क्षेत्र में कोई भी खदान चल नहीं रही है, इसलिए ये ट्रक आ कहाँ से रहे हैं। जब जानकारी की तो ड्राइवर इत्यादि जो हैं वो ट्रकों से अपना निकल के ना वो जवाब दे पाए, और निकल के धीरे धीरे खेतों की तरफ भागने लगे। तो ये करीब 7 ट्रक हम लोगों ने पकड़े हैं। बीजेपी विधायक ने साथ ही कहा कि वो इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करेंगे। ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी बीजेपी विधायक ने अवैध खनन होने का आरोप लगाया है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। व्यापार में लाभ होगा या हानि, रिश्तों में कैसे सुलझेगी परेशानी, किसका बनेगा शादी का योग, कौन से उपाय से कटेंगे रोग, मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।